हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंधी एम्ब्रॉयडरी का, जो कच्छ एम्ब्रॉयडरी भी कहलाती है, इसका बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। एक सिंपल बॉर्डर विदाउट ये ऊपर वालों के, ये सिर्फ सिंपल नीचे का जो पार्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ काफ़ी पहले, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। मेरी सिंधी वर्क की और भी वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं। तो आज मैं आपको ये थोड़ा सा बड़ा बॉर्डर है जो बनाना सिखाऊंगी। ये शर्ट के दामन पे, गलों पे, दुपट्टों पे ये बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत जल्दी बनने वाला काम है और जैसा कि आपको पता है कि बहुत नुमाया लगता है और हमेशा इन रहता है ये। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि ये आसान सा बॉर्डर किस तरह बनता है। अगर आपने मेरी पिछली सिंधी के एम्ब्रॉयडरी की वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो डिज़ाइन बना हुआ होता है पैटर्न, जैसे ये पैटर्न बना हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसको आगे से अपनी सुई निकालते हैं, इधर से हमेशा यहाँ कॉर्नर पर नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा आगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे, इस तरह निकालते हैं। तो इसमें भी हम इसी तरह करेंगे कि स्टार्ट हम थोड़े से फासले से करेंगे। यहाँ हमारा ये धागा नीचे आ रहा है, तो जब हम ये वाला लेके जाएंगे तो ये ऊपर आएगा। तो अब तीसरा वाला जो है ये ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा। इसलिए कि आपको पता होगा मेरी वीडियोस देखने के बाद कि सिंधी एम्ब्रॉयडरी में एक नीचे जाता है और एक ऊपर आता है। तो हमें ये थोड़ा सा विजुलाइज करना होगा, दिमाग में रखना होगा अपने ये कि ये नीचे जा रहा है अभी, तो सेकंड जब हम लाएंगे, लाइन बनी हुई है यहाँ, वो ऊपर आएगा। तो अब ये थर्ड वाला जो है ये नीचे गया है, फिर यहाँ पर भी हम आगे से निकालेंगे ऐसे। इसमें भी बिल्कुल यही होगा, ये नीचे गया है, अब सेकंड जब यहाँ बनाएंगे हम तो ऊपर आएगा, तो ये भी नीचे जाएगा। यहाँ पे भी आपकी बेल जो है पूरी, ये बॉर्डर ख़त्म हो रहा हो तो वहाँ से आप इस तरह दोबारा यहाँ ऊपर लेके जाएंगे हम। अब यहाँ ये धागा जो था, जो ऐसे आ रहा है, वो नीचे था और बीच में कुछ नहीं है, तो अब ये ऊपर आएगा। ये नीचे आ रहा है इधर, तो इस स्टिच में ऊपर की तरफ आएगा, ये यहाँ ऊपर आएगा तो यहाँ नीचे जाएगा। यहाँ ऊपर आया था तो ये नीचे गया, अब ये नीचे है तो यहाँ से ऊपर आएगा हमारा धागा, और फिर इस वाले में नीचे जाएगा। तो इसमें जैसे देखा है आपने कि यहाँ नीचे है, ये इधर ऊपर है, फिर नीचे चला गया और फिर ये ऊपर आया है, तो ये ऑल्टरनेट होता चला जाता है। अगर आपसे कहीं गलती हो जाए तो आप जो प्रीवियस वाला है वो देख लें कि ये नहीं कि दोनों जो हैं वो एक से आएँ, हमेशा दोनों जो हैं आसपास वाले वो डिफरेंट आएंगे, कि एक नीचे तो एक ऊपर, तो एक नीचे फिर एक ऊपर, इस तरह। अगर आपके दोनों ऊपर आ गए तो इसका मतलब है आपने कहीं गलती की है। अब ये नीचे आया है तो यहाँ ऊपर आएगा। बिल्कुल जैसे यहाँ किया था हमने, इधर भी ऐसे ही करेंगे। बस एक आपको ट्रायंगल समझ में आ जाए तो फिर आप पूरा जो है वो इजीली सही सही कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे तो ये ऊपर आके फिर इस तरह आ जाएगा।
और यहाँ अपने काम को, जो फ्रेम है हमारा, यहाँ अपने फ्रेम को हम ख़त्म कर देंगे। ये हमारा फ्रेम बन गया, इसके ऊपर हम वीविंग करेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना, इसके नीचे लेके जाएंगे और इस लाइन के ऊपर रखेंगे हम, और फिर छोटा सा जो टांका है इसके नीचे से हम निकाल लेंगे इस तरह। फिर हम इस टांके के ऊपर ले जाके यहाँ से निकालेंगे नीचे से, इसके ऊपर, और इसके भी ऊपर लेके जाएंगे हम। इसके ऊपर इसलिए लेके जाएंगे कि हमारा एक और धागा यहाँ आएगा तो उसके नीचे चला जाएगा हमारा ये। आप देखेंगे जब हम आगे प्रोसीड करेंगे काम, इसके ऊपर है तो अब इसके नीचे। अब ये इस तरह आ गया हमारा, तो हमारा फिर सारे जो हैं वो एक दूसरे के एक नीचे एक ऊपर हो जाएंगे। जब हमने यहाँ छोड़ा था तो ये अब ऊपर आ गया है। और पीछे अपना धागा सिक्योर कर लें। तो जितना भी लंबा बॉर्डर आपको बनाना है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको बेसिक आ जाए कि
कहाँ आपको धागा नीचे लेके जाना है, कहाँ ऊपर लेके जाना है, वीविंग जो है वो किस तरह से किधर लेके जानी है। तो ये बहुत इजी जल्दी बनने वाला और बहुत आपको ज़ाहिर है पता है कि कितना खूबसूरत लगने वाला काम है। इसके साथ आप शीशा भी यूज़ कर सकती हैं, सितारे भी यूज़ कर सकती हैं, जैसे यहाँ आप सितारे लगा लें, डिफरेंट तरह की वैरायटी आप कर सकती हैं और ये हमेशा बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।